और इससे रोल वगैरह मिल जाएगा। आप आकर के यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से विजिट कर सकते हो, ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और ये मदनपुरे का ही एरिया। तो गाइस ये है दही वड़ा, और कितने क्वांटिटी में जो है दही डाला जाता है इसके अंदर, वड़ा है और बहुत ये अपना करके लाते हैं, है ना। साल के 12 महीने लगाते हैं, साल का 12 महीना यहाँ पे लगाते हैं। और ये देख सकते हो, ये मदनपुर हरा मस्जिद के बाजू में पहुँच चुका हूँ गोश्त बाज़ार में। और ये है गोश्त बाज़ार, देख सकते हो गोश्त बाज़ार में भी जो है अफ्तारी का आइटम पूरे में छिला वगैरह पे लगा हुआ है। धान का शहरी का आइटम ये हो गया, सेवैयाँ, खजूर, पेशा, गरीब नवाज, जूस सेंटर। और एप्पल देखो किस तरीके से तराशा जा रहा है, ये देखो एप्पल का कटिंग देखो, बहुत ही क्वान्टिटी में डाला जाता है। और ये सर देख लो, ये क्या है, चाशनी है। चाशनी जो है रमज़ान के मौके पे यहाँ पे भी जो गाइस दे सकते हो, बादाम वगैरह का यहाँ पे अच्छे से क्वान्टिटी में लगा चुके हैं यहाँ पे, जो बहुत ही भारी मात्रा में आपको ये मदन। वेलकम टू माय चैनल साई दस के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज है जुमा का दिन और रमज़ान का जो है दूसरा जुमा, आप लोग को हमारी तरफ से तहे दिल से मुबारक हो। और गाइस आज का पूरी जर्नी दिखाऊँगा पूरे दिन का, कि मतलब क्या क्या आपको यहाँ पे और मदनपुरे में अफ्तारी के समय में क्या क्या आइटम मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहो। आज का ब्लॉग जो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैं फर्स्ट मेरा ब्लॉग आएगा अफ्तारी के रिलेटेड पे, क्योंकि अफ्तारी का जो है इस साइड पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, मदनपुरा और मौलाना आज़ाद रोड पर और मल्लन रोड पर। तो मैं आपको सारा दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ब्लॉग में अंत तक बने रहो, ब्लॉग आज का बहुत ही खास होगा। ठीक है, चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। आप सभी को अगर टोपी वगैरह चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और भी प्रकार का टोपी है यहाँ पे बहुत सारा है। तो ये अभी जो लगा रखा हूँ मदनपुरा रहमानी मस्जिद के पास, जैसे कि आज देख सकते हो ये मदन। तो माशाल्लाह नमाज पढ़ के देख सकते हो, नमाजी यहाँ पर जो है निकल रहे हैं, जुम्मा का जो है जमात हो चुका है, और नमाजी जो है नमाज पढ़ के जा रहे हैं अपने रूम पे। और केला, और इस साइड पे मेरा धंधा लगा हुआ, और इस साइड पे है मुड़ी जिसको लावाई बोलते हैं। और वो देख सकते हैं अंगूर, सेब। तो ये पूरा जो है ना, ये सब ये मॉडर्न रोड है, ठंडी सड़क, इस पर पूरा जो है अफ्तारी का ही आइटम लगता है। देख सकते हो जैसा कि इधर पे ये रगड़ा वगैरह अफ्तारी का आइटम लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आगे भी दिखाता हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है खजूर बांट रहे हैं हमारे गांव वाले, यहाँ पे है केला वाला, ये भी खजूर, कलिंगा, कितना वैरायटी आइटम है। ये देखो केला, पपैया, यही सब आइटम मिला है, पकौड़ा वगैरह सब है। ये देखो एक से वैरायटी है चिकन का, ये देखो। और ये है रुअफ़ज़ा शरबत, देखो रुअफ़ज़ा शरबत हो गया, रगड़ा हो गया, भजिया हो गया, ये सब वैरायटी यहाँ पे पूरे मोलन रोड पे आपको मिलेगा। और जूस वगैरह ये देखो फलूदा, एक से एक आइटम देखने को मिला है। तो इधर फलूदा था, ये है रगड़ा, ये लड़ेलाल कलिंगा, इधर पे नान है बेचारा थोड़ा नवीना है। और ये ककड़ी वगैरह, इस साइड देख लो मूली, ये चिकन का आइटम हो गया। और ये है रहमानी मस्जिद, जो इससे पहले आप वीडियो देखे, मतलब इसी वीडियो में आप देखे होंगे, यही है रहमानी मस्जिद, यहीं पे मैं टोपी का धंधा लगाता हूँ। पहुँच चुका हूँ गोश्त बाज़ार में, और ये है गोश्त बाज़ार, देख सकते हो गोश्त बाज़ार में भी जो है अफ्तारी का आइटम पूरे में छिला वगैरह पे लगा हुआ है। और अभी मैं पहुँचने वाला मदनपुरा मौलाना आज़ाद रोड पे, तो आपको वहाँ का भी दिखाऊँगा, और किसी का रिव्यू नहीं करूँगा। इस तरीके से ककड़ी देख लो, कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है इस ककड़ी का। और इस साइड सेवैयाँ देखने, सेवैयाँ, तो ये देखे गाइस, इस साइड फलूदा हो गया,
और ये है मौलाना आजाद रोड। इस साइड जाने तो इस साइड नागपारा हो गया, ये साइड नागपारा हो गया, और इस साइड से जाएंगे तो ये हो गया मदनपुरा पूरा, और ये झूला मैदान सात रास्ता जा सकते। ये देखो रमजान का शहरी का आइटम ये हो गया, सेवैयाँ खजूर ये सब इधर आके ले सकते हैं। लाल लाल कलिंग कपड़ा वगैरह लेना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। और ये तो अफ्तारी के मामले में पूरे दोनों साइड में आपको अफ्तारी मिलेगा, और बच्चे का सियाने का जिसका भी आप कपड़ा लेना चाहते हैं, जींस हो टी शर्ट हो कुर्ती पजामा या कपड़ा हो, आप आगे ले सकते हैं। यहाँ ये देखो दही बड़ा हुआ, और ये है अल्लाह रखा होटल के सामने यहाँ पे ये मिलता है, आप आके यहाँ पे ले सकते हो। और आगे चलता हूँ, आगे भी दिखाता हूँ, अफ्तारी के लिए भीड़ लगना चालू हो जाएगा। इस साइड में देख लिया गाइस, और इस साइड देख लो ये पैकिंग जो है दही वाला, तो क्या आइटम पूछते। तो ये देख सकते हो गाइस, ये है दही वड़ा, और कितने क्वांटिटी में जो है दही डाला जाता है इसके अंदर वड़ा है, और बहुत ये अपना घर पे ही बनाता। आपकी इधर कहीं होटल वगैरह है आपका, घर से बना के लाते हो तो ये खुद अपने घर से बना करके लाते हैं, है ना। साल के 12 महीने लगाते हैं, साल का 12 महीना यहाँ पे लगाते हैं। और ये देख सकते हो ये मदनपुर हरा मस्जिद के बाजू में, हरी मस्जिद के जस्ट बाजू में ही आपको मिलेगा। और इसका दही वड़ा गेला है ना, गेला वाला गेट पे ही है, दही वड़ा बहुत ही मशहूर है। और इस तरीके का पैकिंग हो जाएगा, पैकिंग इस तरीके का मिलेगा आपको दही वड़े का। और ये इस साइड देख ले, इस साइड पूरे में मतलब यहाँ से वहाँ तक आपको पूरे में अफ्तारी का ही आइटम मिलेगा, एक से एक वैरायटी देख सकते हो गाइस। और दही वड़ा तो यहाँ का बहुत ही स्पेशल था, ये है भजिया। और ये देख ले मदनपुरा आने का सबसे आसान तरीका, ये जो है अरब मस्जिद दिख रहा है आपको, ये जो है इस साइड पर जाएंगे तो ये मोलन रोड हो गया, और इस साइड हो गया फायर ब्रिगेड की तरफ से, और ये हो गया आपका मौलाना आज़ाद रोड। तो ये मौलाना आज़ाद रोड है, ये पूरा यहाँ से शुरू होता है, और आगे जाएंगे तो आगे जाके ये मौलाना आज़ाद रोड ख़त्म होगा। और यहाँ से जो है अफ्तारी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको यहाँ पे मिलेगा, कपड़ा ले लें, बच्चों का शूज वगैरह ले लें, कुछ भी आकर के यहाँ ले सकते हैं आप। इस मार्केट में अगर घुस गए तो बगैर लिए जाएंगे नहीं, बहुत ही सस्ता आइटम वगैरह होता है। और रमज़ान का स्पेशल देख सकते हैं ये सिवैयाँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा रखा है। और एप्पल का यहाँ पे जो है ना आपको जूस दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है एप्पल का जूस मिलता है, ये है एप्पल का जूस शरबत, यहाँ पे आपको एप्पल का शरबत ही मिल जाएगा, आप यहाँ आके ले सकते हो। इसका एड्रेस देखो, गरीब नवाज जूस सेंटर माशाल्लाह। बस यहाँ पे जो है अभी तैयार हो रहा है एप्पल का जूस शरबत, शरबत ना, और ये दूध डाला जा रहा है, देख रहे कितने क्वांटिटी में दूध डाला जा रहा है, इसका फ्लेवर डाला जा रहा है। मदनपुरे का फेमस है, यहाँ के आवाम का पसंदीदा है ना, आवाम बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अफ्तारी के दस्तरखान के ऊपर शरबत का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बना रहे बहुत क्वान्टिटी में यहाँ ख़त्म होता है। तो ये गरीब नवाज जूस सेंटर शरबत दे सकते हैं, गरीब नवाज जूस सेंटर। और एप्पल देखो किस तरीके से तराशा जा रहा है, ये देखो एप्पल का कटिंग देखो, बहुत ही क्वान्टिटी में डाला जाता है। और ये सर देख लो, ये क्या है, चाशनी है, ये चाशनी भी डाला जा रहा है इसके अंदर, तो माशाल्लाह। और बर्फ़ के साथ तो आके आप यहाँ ज़रूर विजिट करें और लें, ठीक है। तो मदनपुर का खास करके ये फेमस आइटम था किलेगा, और वो सामने आपको दिखाया जूस सेंटर, सामने है
और यहाँ पे देख ले चिकन का वैरायटी, यहाँ पे जो है चिकन का कबाब वगैरह और इससे रोल वगैरह मिल जाएगा। आप आकर के यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से विजिट कर सकते हो, ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और ये मदनपुरे का ही एरिया जो आपको नाका बताया ना, उधर पे ही है, देख सकते हो कितने मात्रा में यहाँ पे जो है बनाया जाता है। और अफ्तारी से पहले पहले सारा ख़त्म हो जाता है, अभी तो भीड़ नहीं है और असर की नमाज अभी ख़त्म हुई है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो भीड़ जुमतेगा गाइस, इसका एड्रेस जान लो यहाँ पे, देख सकते हो पूरा प्राइस यहाँ पे लिख रखा है भाई ने। और इस साइड देखो ये रोल वगैरह हो गए, नान में डाल के दिया जा रहा है माशाल्लाह। और ये कबाब, ये कबाब भी बहुत यहाँ का फेमस है जो है रमज़ान के मौके पे। यहाँ पे भी जो गाइस देख सकते हो बादाम वगैरह का यहाँ पे अच्छे से क्वांटिटी में लगा चुके हैं, यहाँ पे जो बहुत ही भारी मात्रा में आपको ये मतलब पूरे हिस्से में जो आप एंट्री मारे हो ना तो यहाँ पे देख सकते हो वैरायटी। ये देखो एक से एक आपको बादाम का, काजू का वैरायटी देखने को मिलेगा, किशमिश है समझे। ये देखो बहुत भारी मात्रा में से बच्चों का कुर्ती वगैरह का कपड़ा है, ये देख सकते हो कुर्ती। ये देखो कोट पैंट, कोट वाली में क्या नहीं मिलता, आपको हर एक वैरायटी मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे जो है गाइस ये टोपी वगैरह ले सकते हो आ करके, ठीक है। तो ये है अरब मस्जिद, अरब मस्जिद के पास अभी मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और ये झूला मैदान का एरिया है इस साइड पे। अभी जो है रमज़ान के मौके, ऐसे तो संडे संडे को इस समय मार्केट लगता है, मगर ख़ास करके ये रमज़ान के मौके पे ये रोड पे जो है इसी तरीके से ये पूरे में मार्केट लगा रहता है। देख सकते हो बच्चों का छोटा छोटा संडील चप्पल वगैरह मिलेगा आपको बड़ा। और ये देखो गले का सेट वगैरह, ये देखो चश्मा वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, एक से एक वैरायटी। तो ये है झूला मैदान की शान और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। खजूर के साथ ये आप सेवैयाँ भी ले सकते हैं। और वो जो है आपको बताते हुए यहाँ भी मैं पहुँच गया, यहाँ भी जो है वही एप्पल का शरबत जूस जो यहाँ का भी बहुत ही मशहूर है। और बहुत आपका साल का 12 महीना यहाँ पे मिलेगा झूला मैदान के ठीक है कोने पे, ठीक है। ये झूला मैदान का नाका है और यहाँ सामने देख सकते हो ये 7 रास्ते का रास्ता हो गया। और यहाँ पे जो आपको हमेशा जो है एप्पल का जूस अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। गाइस बहुत ही कमेंट आता रहता है कि 2 हफ्ते हो गया लॉन्ग वीडियो आप नहीं डाल पा रहे हो, क्यों नहीं लॉन्ग वीडियो डाल पा रहे हो। तो गाइस मेरे साथ ही मजबूरी है, मैं इसके लिए लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और ख़ास करके रमज़ान का महीना है और रमज़ान के मौके पर जो है यहाँ मैं धंधा लगाए हुआ टोपी का, और मैं जो है टोपी का धंधा अभी जो मैं ये वीडियो शूट करने गया हूँ तो 2 घंटा 2.5 घंटा मेरे को करने में लगा है। और उस दौरान पे मेरे धंधे पे जो है कोई नहीं था, इसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसलिए तो दिखाता हूँ आपको। मैं वीडियो बनाने गया और वीडियो बना करके जो आया उसके बाद ये देखो चाचा भी कंप्लेन कर रहे हैं कि आप धंधा छोड़ कर चले गए, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो इसके लिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि ये मैं धंधा लगा रखा हूँ और वीडियो बनाने जाता हूँ तो फिर ये धंधा छूट जाता है। और रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है तो इसके लिए मेरे को ये तो धंधा करना बहुत ज़रूरी है, पेट पालना, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, ठीक है गाइस। तो इसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, मजबूरी मेरे साथ यही है ये, क्योंकि मेरे को ये धंधा लगाना पड़ता है। और ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग वीडियो भी डालूँगा और थोड़ा सा भी मेरे साथ ये मजबूरी है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो पूरा इस साइड मोलन रोड, बंदी सड़क और मौलाना आज़ाद रोड, झूला मैदान और मदनपुरे का आपको मैंने बताया कि कहाँ क्या चीज़ मिलता है। और आपने देखा दही बड़ा कितने मात्रा में क्वांटिटी में डाला जा रहा था और बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे बड़ा मशहूर है झूला मैदान और बाबा सरवर चौक पर जो है आपको शरबत का बहुत जो एप्पल का शरबत रहता है उसमें दूध डाला जाता है और चाशनी डाला जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए आए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों यारों में। और मैंने आपको मुंबई का मदनपुरे का पूरी जानकारी दिया। ठीक है गाइस, चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़।